अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। हमारे देश में हर घर में अलग अलग तरीके से कढ़ी बनती हैं। केरला स्टाइल हो, मारवाड़ी हो, पंजाबी हो, उसमें भी हर घर में अलग अलग तरीके से बनती हैं। आज मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि बेस्ट कढ़ी कैसे बनेगी, पर आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एक अच्छी कढ़ी कैसे बनाओ जिसमें दही ना फटे, पकौड़े भी स्पंजी और सॉफ्ट हों। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कटोरी भर के दही डाली है और ये सब हम जार में कर रहे हैं। ये एक मेन प्रोसेस है और ये सीक्रेट भी है। आप जो है कढ़ी को जार में डाल, जो दही है वो जार में डालेंगे और इसे चला लेंगे तो जो दही हमारी है वो बहुत ही अच्छे से विस्क हो जाएगी। वैसे आप क्या करोगे कि घंटों उसको मथानी से या विस्कर से आप उसे चलाते रहोगे, आपका काम उतना इजी भी नहीं होगा, आपका काम इतना आसान नहीं होगा और देर भी लगेगी। तो इसलिए हम ये प्रोसेस आप सबको बहुत ही जल्दी बताने वाले हैं, ये जल्दी होगा। तो इसमें हम आधी कटोरी बेसन डाल रहे हैं और इसमें जाएगी अब आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, ये देखिए हमने इसे अच्छे से विस्क कर लिया है। बस ज़्यादा नहीं करना है इसे, और आपका जार बड़ा हो तो इसमें आप 7 गुना पानी डाल सकते हैं। मतलब जितना बड़ा हो आप पानी डालकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा जार छोटा ही है इसीलिए हमने उसमें नहीं डाला है पानी। बस वैसे ही इसे हमने ग्राइंड करके रख दिया है, एकदम स्मूथ सा हो गया है हमारा ये जो दही है, दही और बेसन। आप भी इसी तरह से ट्राई करें। तो हमने यहाँ पे उसी कटोरी से 2 कटोरी बेसन ले लिया है, उसमें हल्दी डाली है और अब ये हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी और थोड़ी सी हींग और अपने स्वाद के अनुसार नमक। ये हमारा छना हुआ बेसन है, हमने यहाँ पर ले लिया है 2 कटोरी और इनको मिला देंगे अच्छे से इन सबको। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे पानी करके डालेंगे और इसे हम फेंट लेंगे। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। इससे क्या होता है कि हमारे जो बेसन है वो उसमें लम्स गुठलियाँ आ जाती हैं, तो उसे गुठलियाँ जो जल्दी जाती नहीं हैं और बहुत ज़्यादा काफ़ी देर लग जाती है। इसीलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालते जाएँ और इसे फेंटते जाएं। मैं यहाँ स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे क्या होता है जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैं स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं विस्क कर दूँगी विस्कर की मदद से। पहले इसको हम पानी डाल के थोड़ा सा मिला लेंगे, एकदम गीला कर लेंगे सब, फिर उसके बाद विस्क कर लेंगे। ये देखें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कुछ इस तरह से इसे कर लिया है। अब इसमें अभी और पानी डालने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं और पानी भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी और इसे विस्क कर लूँगी अच्छे से। और इसे हम एक ही साइड में विस्क करते जाएंगे एकदम से ये फूल जाए। ये देखें चम्मच से हमने विस्क किया है थोड़ी देर और ये हमारा अच्छा सा फूल गया है, बैटर जो है हमारा अच्छे से फूल गया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखो जो हमने बूंदी डाली थी वो बिल्कुल ही पानी के ऊपर आ गई है। ऐसा प्रोसेस करने से आप लोग इसे ज़रूर चेक कर ले ताकि जो है हमारी, जब तक हमारी जो बेसन है वो फूलेगी नहीं तब तक हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो अच्छे सी नहीं बनेंगी, ना ही स्पॉन्ज होंगी। और हम बनाना शुरू कर दिए हैं। तो हमने यहाँ पर गैस पर तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल इतना डालें कि जो पकौड़ी हमारी जो है आधी ऊपर रहे और आधी तेल के अंदर रहे और आधी खुली रहे। इससे क्या होता है कि हमारी पकौड़ियाँ जो हैं ऊपर की तरफ फूलती हैं। अगर आप भर के तेल डालेंगे तो हमारी पकौड़ियाँ तेल के अंदर ही फूलेंगी नहीं ज़्यादा, बस तेल के अंदर ही रह जाएंगी। इसीलिए आप
ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि तेल जो हमेशा पकौड़ियाँ बनाने के लिए थोड़ा ही लें। और ये देखें हमने सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं और इन्हें धीरे धीरे हम हिलाते हुए पका लेंगे अच्छे से। ये देखें हमारी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी सी फूल गई हैं। जब तक पकौड़ियाँ हमारी नहीं फूलेंगी आपकी कढ़ी एकदम परफेक्ट नहीं बनेगी। ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी आप बनाएं तो पकौड़ियों को ज़रूर ध्यान से पकाएं। और ये देखें अब एकदम से पक गई हैं, तो अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे दो बैचेस में बनाई हैं पकौड़ियाँ और ये देखें हमने सारी पकौड़ियाँ निकाल ली हैं और दूसरा बैच भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे गैस पे कढ़ाई को रख देंगे और उसमें हमने डाल दिया है तेल। हमने यहाँ पर सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है, इससे आपकी कढ़ी जो है बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो हमने यहाँ पे कुटी धनिया और ज़ीरा डाल दिया है आधा आधा चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची कटी हुई और सरसों डाल दी है आधा चम्मच और सौंफ डाल दी है, सब आधा आधा चम्मच हमने डाल दिया है यहाँ पे। और अब डालेंगे हींग, हींग भी डाल दी है हमने एक पिंच। और अब बारी है इसमें कढ़ी पत्ता की, जो इसका खास इंग्रेडिएंट्स है। इसके बिना कढ़ी क्या बनाओगे, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। आप कढ़ी पत्ता अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर डालें। हमने एक पौधा लगा रखा है कढ़ी पत्ते का और हमारा पौधा जो है अच्छे से चल भी गया है। आप लोग भी अपने घर में कढ़ी पत्ता का पेड़ लगा लें। मसालों को हमने 10 से 15 मिनट के लिए भून लिया था। अब इसमें हम डाला है अदरक और मेथी। मेथी और अदरक को हमने बाद में इसलिए डाला है ताकि अगर मसालों के साथ भूनते तो ये जो इसका फ्लेवर आ जाता उसमें और ये मसाले जो हमारे तीखे हो जाते, इसीलिए हमने अदरक को बाद में डाला है। अब जो हमने जार में दही और बेसन का जो घोल बनाकर रखा था वो डाल देंगे। और अगर आपने अगर आधा कटोरी बेसन लिया है तो आप इसमें 10 कटोरी पानी डालेंगे। उसी कटोरी से हमने 10 कटोरी पानी डाल दिया है। अभी हम इसमें और पानी डालेंगे, और पानी थोड़ा सा डाल देंगे। अभी हमने 7 से 8 कटोरी पानी डाल दिया है, अभी थोड़ा डाल देंगे। और ये देखें पानी कम था इसीलिए हमने और डाल दिया है। आप जब भी कढ़ी बनाएं तो ऐसे ही बनाएं, 10 गुना पानी इसमें ज़्यादा डलता है। ये देखें अब हमारा पानी एकदम परफेक्ट है, हमने 10 कटोरियां पानी डाल दी है और अब इसे हम पकाएंगे। और इसे इस तरह से पकाएंगे, आधा खुला रखेंगे थोड़ा सा ताकि जो उबाल आए वो ऊपर की तरह ना गिरे। और ये देखिए कढ़ी जो है हमारी उबलने लगी है, कढ़ गई है अच्छे से। ढक्कन को हटा देंगे, फिर उसके बाद इसे चेक कर लेंगे और इसे अच्छे से चला देंगे ताकि जो नीचे का तली है वो लगे भी ना। ये देखें कुछ इस तरह से हो गई है और आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट पकाने के बाद कढ़ी हमारी अच्छे से कढ़ गई है। और आप देख रहे हैं साइडों में जो बेसन है वो देखो किनारे ऊपर लगा है और कढ़ाई थोड़ा सा पानी भी कम हो गया है, नीचे चला गया है। तो
तो इसका मतलब परफेक्ट है कि कढ़ी हमारी अच्छे से कट गई है। जब कढ़ी हमारी अच्छे से कट जाए तब इसमें हम अपनी जो पकौड़ियाँ हैं वो डाल देंगे। ये देखिए इनको हम डाल देंगे सारी ही पकौड़ियाँ और अच्छे से मिक्स करके इनमें भी उबाल आने का वेट करेंगे। आप सब लोग कमेंट करके बताएं आप लोग हमारी वीडियोस कहां कहां से देखते हैं और चैनल को लाइक और शेयर कर दिया करें अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि हम जैसे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूं और बहुत अच्छे अच्छे खाने भी बनाती हूं। अब इसमें हम हरी धनिया डाल दिए हैं, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, हमारे पास थी तो हमने डाल दी है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कढ़ी हमारी पक चुकी है, अब इसमें हम एक तड़का लगा देंगे सरसों के तेल से। तो हमने सरसों के तेल को डाल दिया है, हम एक कटोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम तड़का लगाते हैं। कढ़ी डाल दी है, कढ़ी पत्ता डाल दिया है और अब इसमें हम लाल मिर्च तोड़ के डाल देंगे सूखे वाले। उसके बाद हम कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। हमारे पास कोई तड़का पैन नहीं है इसीलिए हम तड़का पैन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कटोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास तड़का पैन हो तो आप तड़के पैन से लगाएं, इससे आसानी होती है, लेकिन हमारे पास नहीं है। आप लोग इतना सपोर्ट करें कि मैं हर बर्तन जो है हम ये सामान जो है ले सकूं, क्योंकि मैं हैंडीकैप्ड हूं और बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूं। आप लोग इतना सपोर्ट करें कि मैं सब कुछ ले सकूं। तो हमने इन्हें चावल के साथ सर्व कर दिया है। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं ऐसी ही वीडियोस को लाती रहूंगी आप लोगों के साथ। आसान आसान खाने बताऊंगी कम बजट में और बहुत ही टेस्टी। आप लोग बनाएं खाएं और मज़े करें। मिलती हूँ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, दुआओं में याद रखना।